हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद शेफ हेमंत में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक नई ज़बरदस्त रेसिपी, सोया चाप मसाला। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चाप ली है, 5 स्टिक चाप ली थी, उसकी हमने स्टिक निकाल दी है। अब हम इस चाप को फ्राई करेंगे। मीडियम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। हमारी चाय फ्राई हो रही है। इसमें लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा फ्राई होने में। देखिए हमारी चाय ने कैसे रंग बदल लिया है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसको निकाल लेंगे कोई बर्तन में। ये हमने चाप निकाल लिया। हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। सरसों का तेल डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच। इसके साथ में हम दही डाल रहे हैं। दही थोड़ा सा थिक होना चाहिए। 1/4 कप दही डाला है हमने इसमें। और कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके 1/2 चम्मच। देगी मिर्च लगभग 1.5 चम्मच है। इसी के साथ में हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच। और इसके साथ में हम इसमें नमक डालेंगे। हम यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। चाप को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सारा फ्लेवर चाप के अंदर तक चला जाए। अच्छे से इसको मिला दीजिए। अब हम दूसरा बर्तन चालू करते हैं, चाप को पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चालू करेंगे, उसमें तेल डालेंगे लगभग 4 चम्मच। इसमें हम खड़े मसाले ले रहे हैं। इन खड़े मसाले में 5 इलायची, 6 से 8 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये बहुत अच्छे फ्लेवर देंगे हमारे खड़े मसाले। इसको हल्का हम भून के इसमें हम प्याज डाल देंगे। हमने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है, उसको बारीक काट के लिया है। अब ये प्याज को हम ब्राउन होने तक इसमें भूनेंगे। प्याज भूनने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से इसमें कलर देना है। ग्रेवी का बेस प्याज है। जितने हमारी प्याज भून रही है इतने हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बोल में हल्दी लेंगे लगभग 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1.5 चम्मच। इसी के साथ में हम यहाँ पे इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और एज पर योर टेस्ट बड्स। अब इसके साथ में हम देगी मिर्च ले रहे हैं, ये कलर बहुत अच्छा ला के देगी हमारी ग्रेवी में। 1.5 चम्मच देगी मिर्च और थोड़ा तीखा मिर्च है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमें 1/2 लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ में भूनना है। भूनने में कोई कंजूसी ना करें, अच्छे से सारी चीज़ों को बारी बारी से भूनें। अब इसमें मसाले डाल के हमें मसाले भूनने हैं। कितनी खूबसूरती से हमारा मसाले भून रहे हैं। मसाले अच्छे से भूनना है हमें। इसमें हम मसाले जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। अभी पानी के साथ मसालों को और भूनना है जब तक ऑयल साइड में रिलीज ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा मसाला बन के तैयार हुआ है। अब हम इस मसाले में हमारे टमाटर डालेंगे। टमाटर को हमने क्रश करके लिया है, मतलब दरदरा उसको मिक्सी मारा है हमने, पूरा प्यूरी नहीं किया है। अब अगेन हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज और हमारे मसाले 1/2 लहसुन का पेस्ट अब साथ में भून रहे हैं। यहाँ पे गैस हमने मीडियम कर रखी है। अब हमें इसको अच्छे से पकाना है जब तक टमाटर हमारे पक ना जाए। इसको ढक्कन ढक के हम पकाएंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और हमारे 5-7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ऑयल साइड में रिलीज हो गया है। कितना प्यारा कलर आया देगी मिर्च और हल्दी से।
अब हम इसमें अपनी चाप डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी दही के साथ में। ये चाप के अंदर तक मसाला चला गया है। अब हम इस चाप को हमारी ग्रेवी के साथ में पकाएंगे। चाप का मसाले वाला बाउल था उसमें थोड़ा पानी डाल के वो सारा हमने इसमें डाल दिया, फेंकना क्यों कुछ भी। हम इसको ढक के वापिस से पकाएंगे। अब लगभग इसको 10 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए हमारी चाप कितनी खूबसूरती से पक गई है, कलर कितना प्यारा आया है, ऑयल भी साइड में रिलीज हो गया है। देखिए कितनी टेम्पटिंग सब्जी लग रही है। आइए इसको सर्व करते हैं। बस कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? इसको बना के घर पे ट्राई जरूर करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। अब हम इस चाप की सब्जी में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और जिंजर जूलियंस डालेंगे। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी बेहतरीन रेसिपी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।